हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स को और दबाइए इस घंटी के बने बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले मिले, वो भी बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें कि लगभग आपको बहुत बड़ी खबर देंगे कि जो कि रेलवे में 3.5 करोड़ फॉर्म आए थे और जिसमें से 1.13 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। और साथ में दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे आपको कि रेलवे परीक्षा ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन कब तक होगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं जो कि अमर उजाला का ऑफिशियल न्यूज़ है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, आप जो देख सकते हैं कि इसमें देखिए अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा यह न्यूज़ दिया गया कि रेलवे के 90,000 पदों के लिए 3.5 करोड़ आवेदन पद आए थे, जबकि इसमें से 2.37 लाख मतलब कि 2.37 करोड़ लोगों ने आवेदन शुल्क जमा किया है। मतलब दोस्तों जो इस हिसाब से 1.13 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं इस अमर उजाला न्यूज़ में डिटेल में क्या दिया गया और इसमें परीक्षा के बारे में भी बताया गया है कब तक होगा एग्जाम। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर देश, तो यहाँ पर तो दिखाया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुल आए आवेदनों में से 2.37 करोड़ अभ्यर्थियों ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्होंने आवेदन के लिए विवरण भरकर शुल्क का भुगतान किया है। हालांकि इसमें आवेदन की नियम और शर्तों का कसना मतलब कि जो कि दोस्तों अभी इसमें जो नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको भी अभी शॉर्टलिस्ट करके उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल 1.13 करोड़ जो है जिन्होंने आवेदन फीस नहीं जमे के उस हिसाब से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड अश्विनी लोहानी खुद इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संख्या में आवेदन प्राप्त की बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। परीक्षा को लीक प्रूफ रखा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए करीब 1,000 प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो दोस्तों है 1,000 प्रश्न तैयार किए गए हैं पहले फेज के लिए। सभी पदों के लिए 2 फेज में परीक्षा की जाएगी। पहले फेज की परीक्षा अगस्त तक होगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों परीक्षा की मतलब फर्स्ट जो फेज की परीक्षा होगी आपकी अगस्त तक हो जाएगी, जो कि अमर उजाला में लिखा गया है। तो देखिए और दिखाया गया है कि इसमें नीचे की रेलवे सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए दक्ष एजेंसियों की मदद ली जाएगी। इस प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर रैंडम तरीके से अभ्यर्थियों को सामने आएंगे। दोस्तों ऐसे लेटर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलते रहें गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। और साथ में दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, ताकि आप मुझको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।